मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। आयशा खैर तो है बेटा, तुम इस वक्त खैरियत तो है? रात के 12 बज रहे हैं बेटा। जी अब्बा खैरियत है, मेरी डायमंड की रिंग आपके बाथरूम में रह गई है तो वो मैं लेने आई। नीलम को हमेशा के लिए अपनी कॉल रख लो। शुजा के लिए कह रही है? जी शुजा को फिर अब के आए ना तो ज्यादा दिन लेकर आना, वो तेरी माँ ने ना तेरे लिए कुछ लड़कियाँ देखी हैं। तो फिर मैं तुम्हें कल शाम तक का वक्त दे रही हूँ, अगर चलना मेरे साथ तो चलो वरना वरना मैं आरम को लेके तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। अनुजान को फोन किया था मैंने, उनके कानों में बात भी डाल दी है। कौन सी बात? नीलम और शुजा के रिश्ते की बात। ले, तुझे मैंने मना किया था कि बात करने की जरूरत नहीं है, क्यों की तूने बात? लेकिन ताईजान आपने खुद ही तो कहा था कि आपकी भी मर्जी है। ओहो मेरी मर्जी होए पाई, शुजा कहता है मैंने नहीं करना, क्या करूं मैं? आपने शुजा से बात की थी? की थी, इनकार कर दी। इनकार कर दिया? नीलम को इनकार कर दिया? भाई वो कहता है कि मैंने नई खानदान में शादी करनी, पहले जो खानदान में हुई हैं शादियां तो वो कौन सी बड़ी कोई कमाल हो रहा है जो वो कर ले, वो कहता है मुझे नहीं और करनी। तो आपने उसे समझाना था ना, उसे भी वही कहना था जो आपने मुझे कहा कि मैं आपकी बाकी की बहुओं की जैसी नहीं हूँ, मेरी बहन मेरे जैसी है। कहा था समझाया था, पर वो कहते हैं आप एक और बाज भाई बनाना चाहती हैं। वाह ताईजान आपके बेटे क्या समझते हैं लोगों की बेटियों की इज्जत को, रास्ते में गिरा पत्थर मारो ठोकर और साइड में कर दो। नहीं ऐसा नहीं है शुजा, तो क्यों ऐसे सोच रही है? पहले मैं और फिर मेरी बहन, इतनी सस्ती इज्जत है किसी की बेटियों की? हाँ किसी की बेटियों की इज्जत की उन्हें क्या परवा, उन्हें तो अपनी बहन की इज्जत का तमाशा लगा दिया है। फिरोजा क्या हो गया तुझे, ऐसी कोई बात तो है नहीं, भी उसकी मर्जी नहीं है तो मैं क्या करूँ? ले स्यापा नहीं मानता तो मैं क्या करूँ? अब्बा जी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। वो अब्बा जी अब हमें इजाजत दें। हम अलहदा हो रहे हैं। क्या तुम अलहदा होना चाहते हो? जी अब्बा जी। ऐसी क्या बात हो गई, कोई मसला है तो मिल बैठ के हल कर लेते हैं। और ना अब्बा जी ना, बात जो है ना वो मिल बैठ के तय करने से बहुत आगे निकल गई है। क्या मतलब है? अपना घर छोड़ के चले जाओगे, हमें छोड़ के चले जाओ? नहीं वो ये तो मेरे बस में नहीं है ना, मैं आप लोगों को तो नहीं छोड़ सकता, बस आता जाता रहूंगा मैं यहाँ। और अपना घर होता तो जो कुछ हमारे साथ इस घर में हुआ है वो ना होता, और ना ही हमें इस तरह से जाना पड़ता। तो जाओगे कहाँ? डिफेंस, हमारा नया घर बन गया। तुमने तो कहा था तुम कोई घर नहीं बना रहे, तो और क्या करता इस घर में? ना किसी को मेरी फिक्र है ना मेरी
बीवी बच्चे की फिक्र, सबको बस मुझसे तो फयाल से बस पैसा ही चाहिए पैसा। अब बची कब तक, कब तक मैं गधा बन के बोझ ही उतार रहा हूं? इस घर के बड़े बेटे हो तुम, अपने रुतबे को इस तरह ना गिराओ। और बस जान दियो, बस बड़ा बेटा हूं मैं। देखो अब्बा जी, जहां तक मैं कर सकता था ना, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। और अब्बा जी बात दरअसल ये है कि जब सब लोग अपना अपने रोजगार पे लग जाएं, शादी हो जाए, उनकी बीवी बच्चे हो जाएं, तो एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जाओ जाओ, जियो अपनी जिंदगी। तालिब क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? घर का बड़ा बेटा है हमारा, हमसे इस उम्र में अपना आसरा छीन रहे हैं। आसरा अल्लाह की जात होती है फातिमा, इन्होंने हमें क्या देना है? सारी जिंदगी मैंने ही इनको दिया है, अब ये आखिरी मर्तबा कोई चीज मांग रहे हैं तो जाओ, दी तुम्हें इजाजत है, जहां मर्जी चले जाओ। अच्छा तो बस एक चीज और दे दे। वो क्या? जायदाद में हमारा हिस्सा। अरे तो फैल सुन रहा है, ये क्या कह रही है? ओ जी, ठीक ही तो कह रही है। कौन सी अनहोनी बात कर रही है? अब देखे ना बजी, हम लोग नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, 100 किस्म की जरूरतें हैं हमारी, बस अब हमें हमारा हक दे दे। मेरे पास है ही क्या जो तुम्हारा हक तुम्हें दे? क्यों, ये घर, दुकान, ये सब नहीं है क्या? तो क्या मतलब घर में से हिस्सा दे दे तुम्हें, अपनी छत खत्म कर दे, हैं सब कुछ तुम्हें दे दे। चल ठीक है, इस घर में तो आप लोग रह रहे हैं, वो तो आप लोगों के बाद देखा जाएगा, लेकिन दुकान जिसको दी हुई है उससे कहें कि हमारा हिस्सा हमें दे दे। चला जा तू फैल, जहां तेरा दिल चाहता है जा, और जो तेरा दिल कहता है कर। मेरी जिंदगी में इस मकान और दुकान के हिस्से नहीं होंगे, नहीं होंगे। अबा जी अपनी जिंदगी में फैसला कर लें तो अच्छा, कि ये ना हो कि आपके जाने के बाद हम भाई एक दूसरे की शक्ल भी ना देख सके। घर में ये हमारी औलाद क्या हैसियत है आपकी उस दुकान में और मेरी इस घर में? अब हमें भी सिर्फ अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हजार बार भी बात करनी पड़े ना तो जरूर करना, डट जाना अपने हक के लिए, वरना वो मालिक वो काबिज हो जाएगा जायदाद पर। तुम बस दबाव डालते रहना, दुकान के लिए भी और घर के लिए भी। दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, मेरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी। कब जा रहा है तू फैल? पता नहीं, दोनों मियां बीबी सुबह से सामान बांधने लगे,
मुझे तो बताना भी गवारा नहीं किया। अच्छा है जितनी जल्दी चले जाए। तू कह सकता है ये माँ नहीं है ना तू? मुझसे पूछ मेरे कलेजे पे कैसे हाथ पड़ा। मोहब्बत से उनको बांधा जाता है जो मोहब्बत को समझते हैं। कोयलों पर मोती लुटाने का क्या फायदा? नहीं समझता मोहब्बत को तो ना सही भाई, अपना फर्ज तो पहचानता। एक सिर्फ बीवी का ही हक है, माँ बाप का कोई हक नहीं। पैसे की पट्टी बंध गई है उसकी आंखों पर, अब क्या हक और क्या फर्ज। उसे रोक ले गुलाम तालब, मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बगैर। देख मेरी पहली औलाद, सारी औलाद एक तरफ वो एक तरफ। उसने दिल पत्थर कर लिया है, तुम भी सख्त कर लो। मुझे तो खदशा था कि ये होगा जब नगीना उसकी बीवी बनकर इस कार में आई थी, मगर इतनी जल्दी होगा ये मैं नहीं जानता था। मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। अपनी भांजी समझकर मैं दरगुजर करती रही, ये ना पहचान सकी कि ये लड़की घर को जोड़ने नहीं तोड़ने आई। मैं तो तब भी समझाता था, खैर अब पछताने का क्या फायदा। अब तो जो हो रहा है उसे होने दो। चुप चुपाते घर बनाते रहे, हमें हवा भी नहीं लगने दी। जब भी पूछो काम में मंदा है, काम में मंदा है, काम सही नहीं है, और अब अचानक डिफेंस में घर बना लिए। अचानक? अचानक कहाँ, वो तो हम ही बेवकूफ थे कि उसके झूठ पे यकीन कर लिया। सही कह रहा है तू, अब्बास की शादी, आयशा की शादी, किसी चीज में भी उसने कोई हाथ नहीं बताया। इस दिन के लिए पालता इंसान औलाद। फातिमा, बात सिर्फ हाथ बटाने तक रहती तो फिर भी ठीक था, वो तो जदाद में से हिस्सा मांग रहा है। इसीलिए तो रोती हूँ गुलाम तालब, कि सिर्फ अपना सहारा नहीं छीन रहा वो, और बूढ़े माँ बाप के सर से छत और रिज़्क़ का आसरा भी छीनना चाहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जाने दो। उसकी बीवी अगर यहाँ रही तो रोज यही मुतालबे होंगे। अब एक बेटे को खुश करने के लिए मैं बाकी बेटों के पेट पे लात नहीं मार सकता। मेरे लिए सारी औलाद एक जैसी है। माँ बाप की खुशियाँ जो है ना, वो औलाद के साथ जुड़ी होती है बाजी। जरा सी फूट बैठे तो कलेजा फाड़ देती। हाय फातिमा, तो जब से आई है कस्बे बहती जा रही है, कभी माँ बाप का जिक्र कर रही है, कभी औलाद की बातें कर रही है, ये नहीं बता रही कि मुद्दा क्या है असल में, है ये बताना। बाजी तो फैल हमसे वक्त हो रहा है। फातिमा भाई, ये तो उसका हक हुआ ना। अब देखे ना, सारी जिंदगी तेरे बूढ़े के साथ लग के तो नहीं बैठ सकता ना वो भाई। उसकी अपनी जिंदगी है, खैर से कमा रहा है, खा रहा है, और वैसे मेरी बेटी के नसीब देखो कि उसे मिल भी बहुत कुछ रहा है। हाँ, वो नहीं रह सकेगा हमारे बगैर, मुझे पता है। अरे तुझे इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि पहले वो अकेला था और अब खैर से बीवी वाला है, बेटे वाला है, अब उसकी आदत बदल गई है। माँ बाप तो नहीं बदले ना बाजी, हम तो वही है ना। एक तो मुझे तेरी समझ नहीं आ रही कि तू आखिर कहना क्या चाह रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ बाजी कि तू एक बार नगीना से कह कि वो तुफैल को समझाए। बाजी हम नहीं रह सकते अपने बच्चों के बगैर। हाय हाय फातिमा, रहना तो पड़ता है, अब नगीना की अपनी जिंदगी है। देख हम क्या कर सकते हैं उनके मामले में। वैसे भी कहते हैं कि मियां बीवी की बातों में दूसरों को नहीं आना चाहिए। तो एक बार कह के देख तो सही, लेकिन गुलाम तालिब भी बहुत परेशान है सच्ची।
है तो तू अपनी सारी परेशानियां मुझे बताकर मुझे क्यों परेशान कर रही है। मेरा तो आगे लग रहा है कि मेरा शुगर लेवल ना लो होता जा रहा है, बड़ा सख्त। मैं तो पहले रिश्तेदारों में रिश्ता करना नहीं चाहती थी, मजबूरी फंस गए। चाहते तो हम भी नहीं थे बाजी, पर क्या करते, बच्चों की जिद थी। तो जब उनकी जिद के सामने सिर नीवा कर ही लिया है तो फिर अब क्यों रोना पीटना बचाया हुआ है बाजी। बस कर दे, बस कर दे, मैंने बहुत सुन ली तेरी तकरीर। अब मेरी बेटी को ना आराम से जीने दे, अपनी जिंदगी में खुश रहने दे, और बात सुन, सास बनकर उसके रास्ते में रुकावट ना डाल। ये जी बात है भाई, आ गई है रोने पिटने। हिस्सा दे दे, करोड़ों का घर बना लिया, अब हिस्सा क्यों चाहिए? वो कहते हैं हमें दो, हक है हमारा। तो हम क्या करें, भूखे मरें? यही बात कही थी मैंने अब्बा जी से। दयाजान ने क्या कहा? मुझे तो अब्बा जी की कोई समझ नहीं आती, डावा ढोल से ही लगे रहते हैं। कभी कहते हैं मेरे जीते जी बंटवारा नहीं हो सकता, कभी कह देते हैं बेच दो दोनों दुकानें और कर दो हिस्से। मैं कहती थी मैं साजे की हांडी है, जिस दिन फूटेगी सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होगा। और तुझे क्या लगता है तुझे मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ? मुझे नहीं समझ आती इन बातों की। तो ये तो समझ लेते, दुकान के मुनाफे में कभी कोई हिस्सा नहीं रहा हमारा, हमारे हिस्से में तो सिर्फ खसारा आया है। और तेरा क्या ख्याल है, मेरी समझ में नहीं आती ये बातें? सारी दिहाड़ी दुकानों पे जान मार के काम करता हूँ, कभी इस दुकान पे तो कभी उस दुकान पे, पहले बगैर पूछे मुझे गिर भी रखवा दी है, अब कहते हैं बेच दो दोनों दुकानें। कितने अकलमंद निकले जेठ जी और नदी, राजदारी से घर भी बना लिया, कारोबार भी जमा लिया, पर घर में खर्चा देने के सौ सौ एहसान भी जिता लिए। हमें देखो रहे बेवकूफ की बेवकूफ। इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं कि गधा भी बनू और हाथ भी कुछ ना आए। अब हम भी अपना घर बनाएंगे, क्या हैसियत है आपकी उस दुकान में और मेरी इस घर में, दो कौड़ी की? अब हमें भी सिर्फ अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। सही कह रही है, अब हमें भी अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अब लगेगा हमारा फर्स्ट। अब दुकान के लिए डट जाए, मैं अपना काम शुरू करती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब दुकान और मकान बिक गया तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। ये सब कुछ होने से पहले कोई ना कोई निजाम तो चलाना ही पड़ेगा ना। तू अल्लाह का नाम लेके काम शुरू कर, मैं दूंगा तुझे पैसे। आप कहां से देंगे? सिखा दिया तुफैल भाई ने मुझे अपना हक लेना। ओए मैं थक गया हूँ, कार्टन चुक चुक के पूरी पिकअप भर गई है, कितना रह गया सामान? अरे पिकअप में तो सिर्फ आपका और अरम का सामान है और थोड़ा बहुत मेरा भी है। मैं तो अपने सारे पुराने कपड़े ना यहीं छोड़ के जा रही हूँ, वहां जाके नए कपड़े लूंगी।
क्यों जी, किस खुशी में? अरे भाई वहां जाके नया सामान लूंगी ना, नई कपड़े, नई जूते, नया फर्नीचर, नई गाड़ी है। वाह जी वाह, इसका मतलब ये है कि जनाब ने बेगम साहिबा बनने का फैसला कर लिया है ना? पूरे मूड में हूँ। तुम मुझे नौकर रख के दोगे और मैं नए कपड़े पहन के नई गाड़ी में बस घूमा फिरा करूंगी। और नगीना बेगम, तुम्हें घर बना दी है और क्या चाहिए, अब पल्ले कुछ नहीं है, नवी गाड़ी नहीं लेके दे सकता। क्यों, दुकान में हिस्सा नहीं मिलेगा हमें? उस पैसे से ले देना नई गाड़ी। ओ, मेरा ख्याल है अब्बा जी नहीं मानेंगे। साहिर है, अब्बा जी कैसे मानेंगे, जिस बेटे से सारी जिंदगी लिया है उसको दे कैसे सकते हैं? देने के लिए तो दूसरे बेटे हैं ना। तो अब्बा जी से इस मामले पे बात करना हिम्मत तो नहीं है मुझ में, पर एक बार बात करूंगा। एक मर्तबा नहीं, अगर हजार बार भी बात करनी पड़े ना तो जरूर कर, डट जाना अपने हक के लिए, वरना वो मालिक वो काबिज हो जाएगा जायदाद पर और हमें हमें फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम बस दबाव डालते रहना, दुकान के लिए भी और घर के लिए भी। घर के लिए नहीं, 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 नहीं। ना, मैं घर के लिए नहीं कह सकता, मैं अपने माँ पियो को इस उम्र में बेघर नहीं कर सकता ना। बेघर क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है, मालिक ने दुकान से कुछ नहीं बचाया होगा? और वो अब्बास इतना मासूम बनता जिस महकमे में है ना, वहां पे अंधी कमाई है। फर्क बस इतना है कि वो लोग समझदार हैं और हम बेवकूफ, जो कमाया उन पर लुटा दिया, उनकी तरह छुपा छुपा के नहीं रखा। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो, पर मैं तो हमेशा से ही ठीक रहती हूँ। अब मेरा काम करो, वो बाहर जो मैंने डब्बा रखा था ना जिसमें फिरोजा को देने के लिए कपड़े रखे थे, वो प्लीज ला दो मुझे। क्यों, अभी तो तुम कह रही थी तुम्हें वो काटना चाहिए ही नहीं। हाँ कह तो रही थी, लेकिन अभी अभी ख्याल आया है कि कपड़े वो ठीक ठाक ही हैं, वहाँ जाके नए घर में अपने नौकरों को दे दूंगी। इसका मतलब ये है कि बेगम साहिबा के नौकर भी फैशनेबल होंगे। और नहीं तो क्या, मैं इतनी स्टाइलिश हूँ, नौकर जाकर भी स्टाइलिश होने चाहिए। ठीक है ना, हम भी तो नौकर ही हैं आप। अच्छा बस ना, मालिक भाई को आपने दुकान का मालिक बना दिया और मैं अपने ही तनख्वाह के पैसों को तरसता रहा। तो अब तू क्या चाहता है? मुझे दुकान और घर में हिस्सा चाहिए। मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी मेरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। हाँ। क्या है? इसमें से एक गूंट ले लो ना। बता। मीठा हो जाएगा। यार पागलों वाली बात मत करो, इसमें चीनी डालो। मेहरबानी करो, मेरी जान छोड़ दो प्लीज। नहीं छोड़ सकता। देखो शाइस्ता, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। क्यों परेशान है? क्योंकि इस घर में अगर कोई गधा है ना तो वो मैं हूँ। मेरे को ना गधे का छोटा बच्चा बड़ा ही पसंद है। अब तो गधा नहीं है, अब तो शेर है। शेर शेर होता ना तो इधर बैठ के तुम्हारे साथ चाय ना पी रहा होता।
तो किधर होता? हाँ, तो फैल भाई ने भी घर बना लिया इतनी दूर, और वो भी हमारे साथ नहीं रहेगी। जानता हूँ, कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, उनको घर, पैसा, प्यार और फिर जायदाद में हिस्सा भी मिल जाता है। हाय, मैं भी बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मुझे मेरा मोहब्बत मिल गया और घर भी। अब जायदाद में से हिस्सा आप खुद मांग लो ना। मुझे कोई कुछ नहीं देगा। क्यों? तो फैल भाई ने भी तो घर और दुकान में से हिस्सा मांग लिया, अब आपको कुछ ना मिला तो हम किधर जाएगा? सड़क पे जा पड़ेंगे और क्या। ओए, मैं नहीं रहूंगा सड़क पे। जब माँ बाप ना इंसाफी पे उतर आए ना, तो फिर सड़क पे ही रहना पड़ता। क्या मुसीबत है यार, लाओ दो इधर चाय, मैं तुम्हारी चाय मीठी करूं और फिर मेरी जान छोड़ो। ये लो, अब मैंने तुम्हारी चाय मीठी कर दी है, अब मेरा दिमाग खाना बंद करो और जाओ यहां से। चलो, जाओ। सजा में फांसी हो यार। कब जा रहे हैं तफेल भाई? मुझे नहीं पता। अच्छे रह गए वैसे तफेल भाई सबसे। क्या मतलब कर ये बात? तो कहना क्या चाहता है? कहने दे, इसे भी कहने दे। हाँ जी, क्या अच्छा रह गया? तो खैर, जो चाहा उन्हें मिला, पसंद की शादी, घर और घर वालों की जरूरतों से मुंह मोड़ लिया, तो अपना घर भी बना और देखना जायदाद में भी हिस्सा लेके जाए। अब जो कहना है वो खुल के कह, ऐवें तमीज़े ना बांध। अब्बा जी, मैं अपने भाइयों से हसद नहीं करता, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मेरे और मेरे भाइयों में कितना फर्क रखा गया, मेरा दिल दुखता है। ये कैसी बातें कर रहे तू हैं? क्या फर्क रखा है? क्या फर्क रखा है हमने तेरे में और तेरे भाइयों में? फर्क गिनवाऊं मैं आपको? अम्मी, तो मेरी माँ है। जब जब मेरा दिल तड़पा, आपको महसूस नहीं हुआ? फैल भाई को आपने कारोबार शुरू करा दिया, इब्तदाई सरमाया भी आप ही ने लगाया था ना अब्बा जी। पढ़ाई में मैं भी अच्छा था, लेकिन मेरे लिए आपके पास कभी पैसे नहीं थे, ना सिफारिश की ना रिश्वत दी। देख बेटा, ऐसे गिरे हुए काम मैंने तेरे लिए ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं किए। चलिए, नहीं किए, मिल गई मुझे किलर की, ऊंट के मुंह में जीरा, और जो तनख्वाह है वो आपके लिए गए कर्ज में चली जाती है। सब मिला तेरे सामने थे पास हैं। कर्जा लिया था तो तेरी शादी के लिए लिया था ना, क्या करते? कौन सी शादी? वो शादी जो मुझे मजबूर करके की थी, धमकियां दे के, जोर डाल के। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आपकी सुतेली उड़ा रहा हूं। कैसी बातें कर रहे तू है? कह लेने दे, आज ये जो कहना चाहता है इसे कह लेने दे। आखिर हमें भी तो पता चले हम कितने बुरे माँ बाप हैं। अच्छा जी, तुफैल को कारोबार करा दिया, तुम्हारे लिए रिश्वत नहीं दी, और मालिक भाई को आपने दुकान का मालिक बना दिया, पर मैं अपनी ही तनख्वाह के पैसों को तरसता रहा। तो अब तू क्या चाहता है? मुझे दुकान और घर में हिस्सा चाहिए। ये तो फिर नहीं हो सकता पुत्र। क्यों बाजी? क्योंकि मैं मांग रहा हूं। आप मुझे ये बताएं, आज तक आपने मेरे लिए किया क्या? तुफैल भाई को कारोबार करा दिया, मालिक भाई को आपने दुकान दे दी, शुजा का जो दिल किया उसने वो किया, और मुझे मुझे आपने शायस्ता थमा दी। तो इंसाफ करेगा
अच्छा भाईजान ने नया घर बना लिया, लेकिन उनका तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। झूठ था, सब झूठ था। कारोबार में मंदे का भी झूठ बोला था और माँ बाप से मोहब्बत भी झूठ थी। अच्छा अच्छा माँ आप परेशान, मैं कुछ दिनों में ना और पैसे भेज दूंगा, ठीक है? बात पैसों की नहीं है, वो तो अल्लाह राजक है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मुझे तो फिक्र है जब जायदाद के झगड़े पड़े हुए। क्या 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 जायदाद के? कौन सी जायदाद? चल कोई तो घर को घर समझता है, जायदाद नहीं। तुझे तो पता ही नहीं किसी बात का। क्या वो घर का बंटवारा करना चाह रहे? और दुकान का भी। मुझे उम्मीद नहीं थी उनसे। जो भी हुआ है ना, वो खाली तो फैल को नहीं हुआ, मालिक और बास को भी हुआ। वो भी अपने अपने हिस्से का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन अम्मा ये कैसे हो सकता है? अब प्लीज उन्हें समझाएं। पुत्र मैंने तो अपनी कोशिश कर करके देख ली, अब तू समझा ले, शायद तेरी बात मान ले। मैं ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मसला हल हो जाएगा। पता नहीं हाल होगा या नहीं होगा, तेरे अब्बा जी तो परेशानी के मारे खाना पीना छोड़ के बैठे हैं। बेबी तू परेशान है, खुदा का वास्ता, तू बस तू अपना ख्याल रख और अब्बा का भी ख्याल रख, ठीक है? अच्छा बस ठीक है बेटा, बस मेरी तेरे लिए बहुत दुआएं निकलती हैं दिल से, तो ही है मुझे लगता है सारा कुछ। अल्लाह हाफिज़ बेबी, रोना नहीं है। अच्छा मेरे बच्चे, खुदा शुजा। अस्सलाम वालेकुम तुफैल भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ पर हैं तुफैल भाई? बस वो नए घर में शिफ्ट हुए, आज पहला दिन है। तो जाहिर है पहला दिन था, घर में कुछ पका नहीं, तो बस ये बाहर आया हूँ तकिए चके लेने के लिए। तो क्या पुराना घर छोड़ दिया क्या आपने? बस शुजा अब गुजारा नहीं था हो रहा। क्या किया आपने तुफैल भाई? क्या मतलब है यार क्या किया? बस चुपेता लगा करती है। और माँ जी और अब्बा जी? और देखो सुजा, जब बंदे की शादी हो जाती है ना, तो बड़ा कुछ बदल जाता है। तो क्या रिश्ते भी बदल जाते हैं क्या? नहीं, रिश्ते बदलते नहीं है, पर रिश्तों की जगह बदल जाती है। माँ की जगह बीवी की मां बता जाती है, और बाप की जगह औलाद बाप बनकर अपनी औलाद के लिए सोचना शुरू कर देता है। और जो माँ बाप ने सारी जिंदगी अपने औलाद के लिए किया होता है, वो भाई उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया है। हम अपना फर्ज पूरा करेंगे उनकी मदद करके। मदद मतलब? साफ सी सीधी सी बात, जो भी माँ बाप की जरूरत होगी उनके चार हिस्से, बस मैं अपना हिस्सा दे दिया करूं। अल्लाह तौबा, सारा दिन ही लग गया। हाय को पानी पिला मुझे। मुझे भी पिला दो। चलो चलो उठो जल्दी जाओ। हाय तौबा भाई, थका दिया आज तो नगीना ने। थका नहीं अका दिया, बल्कि आइंदा के लिए बता दिया कि उसकी नजर में ना हम सबकी मजदूर से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। भाई वो ठेकेदार की बीवी है, आखिर सबको मजदूर ही समझेगी ना वो। समझती रहे, परवाह नहीं। दरफड़ा तू। लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ। और वो इस घर की बेटी है, याद रखी इस बात को।
वो उस घर की बहू है, ये आप भी मत भूलिएगा। वैसे मैंने इस घर की इज्जत के लिए सारा सामान उठाया ताकि कहीं उसको ये ना लगे कि मैं जेलस हूँ। हाँ भाई, बड़ा कीमती सामान है मेरी बच्ची का। अरे तुफैल ने तो पहले से मजदूरों को कह दिया था कि सामान उठा लो, लेकिन मैंने कहा कि दफा करो, ये मजदूर जो हैं कितनी बेरहमी से सामान उठाते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, इसीलिए तो मैं भी साथ लग गई तुम लोगों के। मेरी बच्ची का अपना घर सेट हो गया है, कम से कम आज रात सुकून से तो सोएगी मेरी बच्ची। हाँ हाय अल्लाह, मेरी शुगर लो हो रही है। हाँ, ये शुक्र है कि मेरी शुगर आज बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं लो हुई। जरा मुंडों में दर्द है, दबा जरा आके, जरा बड़ी दर्द। खिदमत करो अपनी अम्मी की। हाय देख ले किस तरह कैंची की तरह इसकी जबान चल रही है, और ये सब कुछ तेरी वजह से। माँ जी वो भी यही कहती, ये सब कुछ मेरी वजह से। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं किसकी वजह से हूँ। अच्छा मैं आपको दोबारा जी दुबाता हूँ ना, मेरी मगरों ले जा मेरे, तू जहर लगना है मैनू। मैं दोबारा आप ही दबा लूंगी, बस रहने दे। मैं दबा। उसके सामने तो तेरी जबान बंद हुई होती है, वो गई है तो तू शुरू हो गया। मैं दबा। थक गई हूं मैं सुबह से सेटिंग करते करते। वो जाहिर है पूरा घर सेट किया है, कोई आसान काम तो नहीं है। हाँ आसान काम बिल्कुल नहीं है, इसलिए तो शुक्र कर रही हूँ कि मामा जमील और भाभी आ गए थे हेल्प करने के लिए। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम्हारे घर से आराम सो गया। सो गया है लेकिन बड़ी मुश्किलों से सोया आज। जाहिर है नया घर है, नई जगह है, कुछ दिन तो लगेंगे एडजस्ट होने में। हाँ नया घर, नई जगह, नई जिंदगी और तकरीबन नया कारोबार। क्या मतलब? लगीना जी अपना घर बना लिया है, सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब तो मैंने तैयार कर लिया कि अपना जो पैसा है ना अपनी बिल्डिंग पे लगाऊंगा। अपनी बिल्डिंग बनाओ, पैसा कमाओ, बड़ी बना ली दूसरों के लिए बिल्डिंग। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना, अब जो कमाओगे ना बस अपनी जात पे लगाना। वैसे भी पूरी जिंदगी मुफ्त खोरों को तुमने पालते हुए गुजार दी। घर को बना के उड़ जाए पंछी।